Hold up. टू मूवीज 360। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी बोआ वर्सेस पाइथन को। ये एक स्नेक सर्वाइवल मूवी है दोस्तों। ये सीरीज पाइथन पार्ट 1 और 2 का सीक्वल है, लेकिन ये भी जबरदस्ती की कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। और पाइथन पार्ट 1 और पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मूवी के स्टार्ट पे हम दो रेसलर्स, एक का नाम बोआ और दूसरे का नाम पाइथन, को एक दूसरे से लड़ता देखते हैं। और इस मैच को उस कैसीनो का मल्टी मिलियनर ओनर ब्रॉडिक अपनी गर्लफ्रेंड ईव के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और तभी ब्रॉडिक को एक कॉल आती है दूसरी तरफ से। रोमन उसे बताता है कि उसका पैकेज पहुंच चुका है और वो उसे लेकर आ रहा है। ये सुनकर ब्रॉडिक खुश हो जाता है और रोमन को बोनस देने का वादा करता है। फिर रोमन वो पैकेज लेकर आने लगता है। अब रास्ते में उस पैकेज के अंदर जो चीज थी वो जाग जाती है और पैकेज को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तो रोमन ट्रक रुकवाता है और एक ट्रैंक्विलाइजर गन उठाकर एक बंदे को उसका पैनल खोलने का ऑर्डर देता है। पर बदकिस्मती से पैनल से एक पाइथन की दुम निकलती है और वो वहाँ तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब एक गार्ड डर के मारे फायर करता है और गलती से उसकी फायर मेन कंट्रोल सर्किट से टकरा जाती है और उस सील्ड पैकेज का डोर खुल जाता है। अब उसमें से एक 80 फीट लंबा जायंट पाइथन निकलता है। फिर रोमन डर के मारे एक बॉम्ब निकालता है, पर तभी एक गार्ड को पाइथन पकड़ लेता है और उसकी गोली रोमन के शोल्डर पर लग जाती है और उस ब्लास्ट में वो सब मारे जाते हैं और पाइथन बच निकलता है। अब अगले सीन में हम ब्रॉडिक को उसके प्लेन में देखते हैं, जहां उसे न्यूज से रोमन के हादसे का पता चलता है और अब वो खुद उस जगह जाने के लिए रेडी होने लगता है। अब हम उसी ब्लास्ट वाली जगह पर एक FBI एजेंट शार्पी को देखते हैं, जो उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। और वहीं पर उसे एजेंट कॉज़नेटोवा बताती है कि उन्हें यहाँ से 5 लाशें मिली हैं। तभी वहाँ एक टनल पर एजेंट शार्प की नजर पड़ती है और उसे वहाँ से पाइथन की स्किन मिलती है और वो समझ जाता है कि ये सब किसी पाइथन ने किया है। तभी हम देखते हैं कि पाइथन उस टनल से होता हुआ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंच जाता है और छुट्टी होने पर भी वहाँ 2 वर्कर्स काम कर रहे थे, जिन पर पाइथन अटैक करके उन्हें मार डालता है। अब दूसरी तरफ एक डिप्टी आकर एजेंट शार्प को इस हादसे की रिपोर्ट देता है। तो एजेंट शार्प उसे शहर की सभी टनल्स बंद करवाने का ऑर्डर देता है ताकि वो पाइथन बाहर ना निकल आए। और वो एजेंट कॉज़नेटोवा से एजेंट लार्सन की फाइल मांगता है रशियन प्रोजेक्ट की, जो हमने पाइथन 2 में देखा था। अब अगले सीन में हम एजेंट शार्प के साथ एक मरीन बायोलॉजिस्ट मोनिका बॉन्ड्स को देखते हैं और इसे लेकर शार्प एक मशहूर हर्पेटोलॉजिस्ट डॉक्टर एमिट के पास आता है और वो उन दोनों की मदद से पाइथन को रोकने का प्लान बनाता है। और वो एमिट से उसके बड़े स्नेक के बारे में पूछता है। फिर एमिट उन्हें एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है, जहां उसने अपने 70 फीट लंबे बुआ को रखा था। अब अंदर आकर वो एक छोटे स्नेक को पकड़ता है, जिस पर शार्प कहता है कि ये तो बहुत ही छोटा है। और तब हम बुआ को पहली बार देखते हैं और वो एमिट के हाथ में रखे स्नेक को खा जाता है। अब यहाँ शार्प अपना प्लान बताता है कि वो मोनिका के डॉल्फिन गेयर्स और ट्रैकिंग सिस्टम को एमिट के जायंट बुआ में लगाने का इरादा रखता है और उसे उम्मीद होती है कि बुआ उस पाइथन को ढूंढ कर मार डालेगी। अब एमिट बुआ को बेहोश कर देता है और मोनिका अपने इक्विपमेंट्स को बुआ में फिट करने लगती है और कुछ ही देर में वो अपना काम निपटा लेती है। अब एमिट उन्हें एक रिमोट दिखाता है, जिसकी डिवाइस उसने बुआ में फिट करी हुई थी, कि अगर कोई मसला होता है तो इसके बटन को दबाने से उसे 80,000 वोल्ट का झटका लगेगा, जिससे वो बेहोश हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात होते ही वो पाइथन टनल को तोड़कर बाहर निकल आता है और वहीं एक रिपोर्टर अपनी प्रमोशन के चक्कर में बढ़ा चढ़ाकर न्यूज बना रहा होता है। अब वो एक कॉल करने के लिए सिग्नल्स ढूंढने लगता है कि इस चक्कर में वो काफी आगे निकल आता है, जहां उस पर वो पाइथन हमला करके उसे मार डालता है। अब ये न्यूज एजेंट शार्प को भी मिल जाती है और वो एमिट से बुआ को जल्दी से रेडी करने का कहता है, क्योंकि कुछ देर में वो उस जगह के लिए निकल जाएंगे। दूसरी तरफ हम एक जगह ब्रॉडिक और ईव को कुछ लोगों का इंतजार करता देखते हैं और तब वहाँ एंट्री होती है ब्रॉडिक के जिगरी दोस्त टेक्स की। फिर दूसरी एंट्री होती है एक मास्टर स्नाइपर फोली की। फिर तीसरी एंट्री में हम एक बाप बेटे की जोड़ी डैनर और जेम्स को देखते हैं। और आखिरी एंट्री होती है एक मायर शिकारी लिटिल फील्ड की। फिर उन सबको ब्रॉडिक अपने प्लेन से पाइथन वाली जगह ले जाने लगता है। अब हमें पता चलता है कि ब्रॉडिक ने पाइथन क्यों मंगवाया था, क्योंकि उसने अपने बिलियनेयर दोस्तों के एंजॉयमेंट के लिए उस पाइथन को हंट करने का प्लान बनाया था। पर अब उसके भाग जाने की वजह से वो उसी जगह पर उसे हंट करने का प्लान बनाता है। फिर उसे मार कर वो सब अपनी मर्जी से उसकी स्किन से अपने लिए बेल्ट, बूट्स या वॉलेट्स कुछ भी बनवा सकते हैं।
दूसरी तरफ एजेंट शार्प एक आर्मी सोल्जर की टीम को भी अपने साथ ले जाते हैं और जहाँ से पाइथन वाटर ट्रीटमेंट कैंप से पहुँचा था उसी जगह से वो बुआ को भी उसके पीछे भेज देते हैं। अब मोनिका के इक्विपमेंट भी बिल्कुल सही काम कर रहे थे, फिर वो तीनों एक सोल्जर की टीम के साथ बुआ के पीछे पीछे जाने लगते हैं, पर तभी सिग्नल्स की वजह से उन्हें लाइव फुटेज सही दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन सोल्जर्स को घर जाने की जल्दी थी, वो पाइथन को मारने के लिए बिना ऑर्डर ही आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रॉडिक अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और वो पाइथन को हंट करने की तैयारी करने लगते हैं। फिर वो जंगल में जाकर तीन टीमों में बट जाते हैं ताकि उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम न लगे। तभी डैनियल को वहाँ कोई हलचल महसूस होती है तो वो रेडियो पर सबको अलर्ट कर देता है और वो सब भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ब्रॉडिक सबको कहता है कि जब तक पाइथन बाहर नहीं आ जाता कोई भी उसके पीछे ना जाए, लेकिन फॉली उसकी नहीं सुनता और उस तरफ भागने लगता है उसे मारने के लिए, और टेक्स भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब टेक्स रास्ता भटक जाता है और तभी पाइथन भी उसके सामने आ जाता है और वो उसे खा जाता है। अब सब उसकी चीख से वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें टेक्स की बस गन मिलती है और ब्रॉडिक फॉली पर गुस्सा करने लगता है टीम से अलग होने पर। वहीं डैनियल और जेम्स किसी चीज पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और फिर डैनियल उस पर ग्रेनेड ब्लास्ट करता है। अब ब्रॉडिक आकर देखता है तो वो पाइथन नहीं बल्कि खरगोश था। अब तभी वहाँ ईव आ जाती है और कहती है कि उसे पता है कि वो पाइथन कहाँ है। फिर वो उन्हें वाटर ट्रीटमेंट वाली टनल पर लाती है और बताती है कि पाइथन तेज धूप से छुपने के लिए जरूर इस टनल के अंदर गई होगी। दूसरी तरफ सोल्जर्स की टीम एक ट्रीटमेंट फैसिलिटी पहुंच जाती है और वहीं मोनिका के पास बुआ की वीडियो आने लगती है और वो देखती है कि वो सोल्जर्स के ऊपर है। तभी बुआ ही सोल्जर पर अटैक कर देता है और उसकी फायरिंग से वहां एक पाइप फट जाता है जिसकी आग में एक सोल्जर आकर मारा जाता है, पर दो सोल्जर्स वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब एमेट प्लान बनाता है कि इस फैसिलिटी में बहुत सारी टनल्स हैं, अगर हम कुछ टनल्स में पानी भर दें तो पाइथन और बुआ को बच निकलने के लिए एंड वाली टनल से निकलना ही होगा जहां हम अपने सोल्जर्स से उन्हें बेहोश करवा सकते हैं। अब इस प्लान पर अमल करते हुए शार्प एजेंट कॉज़नेटोवो को इन्फॉर्म करके ऐसे ही करने को कहते हैं। अब ब्रॉडिक की टीम भी अंदर पहुंच जाती है और वो फिर से दो दो टीम से बढ़ जाते हैं पाइथन को ढूंढने के लिए। अब फॉली डैनियल और जेम्स उसे ढूंढने नीचे की तरफ जाते हैं जहां उन्हें अपनी तरफ किसी चीज के आने का शैडो दिखाई देता है, तो फॉली को लगता है वो पाइथन है और वो जैसे ही शूट करता है तो वो एजेंट शार्प था जो यहां से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अब डैनियल और जेम्स जैसे ही उसे देखने आते हैं तो फॉली पर पीछे से पाइथन हमला कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर डैनियल उस पर फायर करता है तो पाइथन अपनी पूंछ से उस पर अटैक करता है तो एक नोकीली चीज उसके पेट को चीर देती है जिसकी वजह से वो भी मारा जाता है। तभी उन टनल्स में पानी भरने लगता है तो एमेट और मोनिका वहां से भागने लगते हैं और वो जेम्स को भी बुलाते हैं, लेकिन वो वहीं खड़ा रहता है और पानी में डूब कर मारा जाता है। वहीं ऊपर की तरफ ब्रॉडिक ईव और लिटिल फील्ड उसे ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक जगह ईव रुक जाती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि पाइथन ने यहां इतने बड़े अंडे दिए हैं, जिस पर ब्रॉडिक कहता है कि ये पॉसिबल नहीं क्योंकि मेरा मंगाया हुआ पाइथन मेल था। और तभी हम ईव के पीछे बुआ को देखते हैं जो अपने इन अंडों की हिफाजत कर रही थी। अब ब्रॉडिक ईव को अंडे को अपनी जगह पर रखने का कहता है लेकिन घबराहट में वो अंडा उससे गिरकर टूट जाता है जिसकी वजह से बुआ गुस्से में आकर ईव को दबोच लेती है। अब ब्रॉडिक फौरन फ्लेम थ्रोअर उस पर चलाने लगता है लेकिन बुआ अपनी पूंछ से उस पर अटैक करती है और गिरने की वजह से फ्लेम थ्रोअर काम नहीं करने लगता। वहीं लिटिल फील्ड उस पर डार्ट शूट करता है लेकिन वो बुआ की स्किन पर असर नहीं करते। फिर बुआ ईव की हड्डियों को तोड़कर उसे मार डालती है और लिटिल फील्ड पर अटैक करके उसे भी मार डालती है, और तभी ब्रॉडिक उस पर फायर करता है जो बुआ पर लगी एक डिवाइस पर लगता है तो वो फौरन वहां से चली जाती है। अब ईव के मर जाने पर ब्रॉडिक पाइथन और बुआ दोनों को मारने की ठानता है। दूसरी तरफ हम मोनिका और एमेट को भागते हुए देखते हैं और तभी उनके सामने ब्रॉडिक आ जाता है और एमेट उस पर गुस्सा करता है क्योंकि सब उसी की वजह से हो रहा है। और तभी वहाँ एजेंट कॉज़नेटोवो बैकअप टीम को भेजती है जो ब्रॉडिक को इलीगल हंटिंग के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। अब वहीं हम पाइथन और बुआ को देखते हैं और बुआ डिवाइस के डैमेज होने पर इलेक्ट्रिक शॉक्स की वजह से कमजोर पड़ गई थी तो पाइथन उसके अंडों को खाने लग जाता है। दूसरी तरफ वो लोग ब्रॉडिक को कस्टडी में ले लेते हैं और तभी मोनिका का ट्रैकिंग सिस्टम फिर से काम करने लग जाता है और उन्हें वीडियो से बुआ के अंडों के बारे में पता चल जाता है। पर ब्रॉडिक वहां से छुपके से निकल जाता है और एक आर्मी की गाड़ी से वहां से बड़े आराम से बच निकलता है। अब कुछ देर बाद एमेट और मोनिका नोटिस करते हैं कि कहीं से म्यूजिक की बहुत लाउड वाइब्रेशंस आ रही थी जो एक करीबी क्लब से आ रही थी और इतने शोर की वजह से पाइथन भी वहां पहुंच जाता है और वो डीजे को चबा डालता है। तभी एजेंट कॉज़नेटोवो एमेट और मोनिका भी वहां पहुंच जाते हैं लेकिन भगदड़ की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। और तभी वहां ब्रॉडिक भी फ्लेम थ्रोअर लेकर पहुंच जाता है और पाइथन को जलाने लगता है, पर जैसे ही उसकी नजर एमेट और मोनिका पर पड़ती है तो वो उन पर भी फ्लेम थ्रो करता है लेकिन वो दोनों बच निकलते हैं। अब ब्रॉडिक वहां आए सभी सोल्जर्स को भूनने लग जाता है और उसका फ्लेम थोड़ा खत्म हो जाता है। फिर पाइथन एमेट और मोनिका के पीछे लग जाता है और वो दोनों एक ग्रिल के पीछे छुप जाते हैं और तभी बुआ भी पाइथन का पीछा करते हुए यहां पहुंच जाती है और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। अब वहीं ब्रॉडिक सलमान खान वाली एंट्री मारता है और उन दोनों स्नेक्स पर गोलियां बरसाने लगता है।
ये देखकर एमिट उस पर ट्रैंकलाइजर शूट करता है जिससे उसकी बॉडी सुन हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर पाइथन और बुआ उसके दो टुकड़े करके उसे खा जाते हैं। अब दोनों स्नेक्स लड़ते लड़ते एक अंडरग्राउंड सबवे में पहुंच जाते हैं, जहां लड़ते लड़ते वो पटरी पर आ जाते हैं और एक ट्रेन उनकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देख एमिट बुआ के सर में लगाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को एक्टिव करता है, जिसके झटके से बुआ पटरी से दूर जा गिरती है और ट्रेन पाइथन को कुचल डालती है और बुआ बेहोश हो जाती है। पर एमिट को लगता है कि उससे बुआ मर गई है और वो उदास हो जाता है। पर तभी वो बुआ को वहां से गायब देखता है और समझ जाता है कि वो अपने अंडों के पास वापस चली गई होगी। अब अगले सीन में हम एमिट और मोनिका को वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी के पास देखते हैं, जहां वो बुआ और उसके अंडों को वापस से लैब में ले जाने के लिए आए थे, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें और मजीद मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।